वादे के ऐन मुताबिक आज हम ये कहते हैं कि जब वादा करो तो उसे पूरा करो। हमने एक वादा किया था कि हम रमजान पहले रमजान से अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ वादा ही नहीं था, उसका अमल भी आपको नजर आया। और इसी तरह से हमने कहा था कि हर एक काम शहरी आपके शहर कराची और पूरे सूबे में जाकर जरूर करेंगे, और उसका मकसद लोगों को मिलना, उनके साथ बातचीत करना, और जो एक मायूसी है इस शहर में या सूबे में कि कुछ नहीं हो रहा और कोई कुछ नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल एक सच्ची बात है और एक हकीकत है। इस शहर में गैस नहीं आ रही तो नहीं आ रही, उस पर बातें बहुत हो रही हैं। और जो आपके सूबे का गवर्नर अगर ये कह रहा है कि मुझे गैस के जो बड़े सप्लायर्स हैं वो ये फोन करके कह रहे हैं कि गैस मौजूद है, हम दे सकते हैं, आज मैंने तो सचिव मलिक साहब को फोन किया है, उनसे ज़रूर ये सवाल करूँगा। अगर ये हकीकत है तो फिर लोगों को इस शहरी गिरफ्तारी में हम क्या ऐसी वजूहत हैं जो गैस के लिए हमारे इस शहर में इस सूबे में इस मुल्क में तस्वीर को और शहरियों को गैस मिलनी चाहिए, ये उनका बुनियादी हक है। और बहसीत आईनी सरबरा के लोग मुझे बड़ी तकलीफ करते हैं, मैंने गैस पर बयान दे दिया, मैंने स्ट्रीट क्राइम पर बयान को दिया है, ये मेरा अख्तियार नहीं है। मैं ये आज बता दूं कि आईनी सरबरा इस सूबे के होने के नाते हर उस चीज़ का अख्तियार है, मुझे मिनिस्टर बोलो, हर उस चीज़ का इख्तियार है जिसमें आईन और कानून की पासदारी न हो। इस सूबे के अंदर हर उस शख्स का जिक्र है आईन में जिसके हकूक, और आज लोगों को हकूक नहीं मिल रहे, आज लोग बेयारों मददगार बेआसरा के परेशान हाल हो, क्योंकि इनके पास अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के मौके तो छोड़ें बुनियादी ज़िंदगी गुजारने के मौके नहीं। इनसे पूछें कि किस घर में है ये लोग, उससे पूछें जो 15,000 रुपये नहीं कमा पा रहे, उससे पूछें जो डेली वेजर जो रोज़ाना काम करता है कि रात 800-1,000 रुपये मिल जाए, और जो वो नहीं मिलते और जो काम जहाँ करता है वो कहता है कल ले लेना, उसके पैरों में से ज़मीन निकल जाती है, उसकी सुनवाई कौन करता है, उसके साथ कौन खड़ा है, मुझे दिखा दे अगर कोई खड़ा है तो फिर मैं बयान ना दूँ। क्योंकि मुझे बहुत ही जो सख्त रद्देअमल है उसका सामना है, मैं बयान नहीं कर सकता आप लोगों से, मुझे रोज़ाना की बुनियाद पे मसला है। और आप यकीन करें तो मेरे अच्छे दोस्त हैं वो मुझे कह रहे हैं यार छोड़ो मत बात, आपको अल्लाह ने एक मनसब दिया हुआ है, आप क्यों इस मनसब के पीछे पड़ रहे हो, इंजॉय करो, मैंने कर रही। और ये गवाह रहना आप सब कि अगर कोई बात होती है तो उसके पीछे सिर्फ ये तीन अवामिल होंगे, अवाम अवाम और अवाम की आवाज़ मैंने क्यों उठाई और मैंने क्या किया, मैं सिर्फ आवाज़ ही उठा रहा हूँ, लेकिन मैं ये उठाता रहूँगा जिस दिन तक भी इस मनसब पर हूँ, ये मेरा मेरे अल्लाह से वादा है। और क्यों उठाऊँगा कि शायद मेरे आवाज़ उठाने से, शायद मेरे तवज्जा दिलाने से और शायद मेरे आवाम पे पहुँचने से खुद साहिब इख्तियार साहिब हैसियत और साहिब सरबत लोगों की आंखें खुल जाएँ, उनके दिलों पे कोई मार है तो वो हट जाए। क्योंकि अगर हम अपने लोगों के ही काम नहीं करेंगे और लोगों के काम नहीं आएंगे तो इन मनसूबों में बैठने का फ़ायदा क्या है। आप ये ना समझें कि मुझे ये शौक है खाने पीने का, मैं तो चौथी जगह से आ रहा हूँ, खाना खाने थोड़ी आया था, लेकिन यहाँ बैठ के खाना भी खाया कि यहाँ जो लोग आए हैं उनको ये लगे कि यार ये बिरयानी फूड सेंटर में गवर्नर साहब आए हैं, वो अच्छी बिरयानी है इसलिए आए, हम भी आगे खाएं, अगर इसका कारोबार चलता है तो मेरे लिए इससे बड़ी और खुशी की बात क्या है।
मुझे अपना कारोबार नहीं चलाना है, मैं चाहता हूँ सूबे और इस शहर के लोगों के कारोबार चले। अगर इनका कारोबार अच्छा चलेगा तो 10 आदमी और रखेंगे, ये सोच की जरूरत है। मेरे वो दोस्त जो इस बात पर तनकीद कर रहे हैं कि आप खाने खाने पहुंच जाते हैं, इस बात पर इतनी तनकीद हो रही है कि मैंने अपनी माओ और बहनों और बेटियों के लिए मेहंदी का ऐलान क्यों किया, चूड़ी का ऐलान क्यों किया। अब सोचे पूरे काम छोड़ के इस बात पर बात हो रही है, भाई मैंने कोई गवर्नमेंट के फसाने से मेहंदी लगा दी, मैंने कोई मेहंदी के कंटेनर मंगवाए, मेरा क्या मेहंदी का कारोबार है, मेरा क्या चूड़ियों का कारोबार है। मैं तो अपनी जाती हैसियत में या अपने कुछ दोस्तों से कह के लोगों को मुफ्त चूड़ियाँ और मेहंदी लगाना चाहता हूँ, मेरे ना लगे। आज भी मुझे एक ऐसी शख्सियत ने फ़ोन किया कि अगर मैं नाम लूँ तो डब्बे बच जाए, उसने कहा इफ्तार और डिनर तो ठीक है, मेहंदी वाला वापस लो, इससे बड़ा गलत असर जा रहा है। मैंने कहा क्या गलत असर जा रहा है? बोला गलत असर ये जा रहा है कि आपकी माएँ बहनें बेटियाँ भी कह रही हैं कि गवर्नर अच्छे काम कर, ये असर जा रहा है। मैं फिर ये कहूँगा कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ अल्लाह को हाजिर कर दिया, लोगों की मायूसी दूर कर रहा हूँ, लोगों के अंदर एक बच्चे को पैदा कर रहा हूँ कि मायूस ना हो, ये भी मैं कह रहा हूँ। हालांकि मेरा कोई वादा नहीं था इन सब का, लेकिन हमारे लिए इमरान भाई, इमरान खान साहब भाई में मोहम्मद लोग सब देंगे इमरान खान साहब ने जो वादे पाकिस्तान और इस शहर और इस सूबे से किए, जो आवाम भलाई वाले थे, मैं उन सब को पूरा करने के लिए रात दिन कोशिश रहूँगा। जो जो वो कह गए थे और लोग उनके उस जज्बात में आज तक उनके पीछे लगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो उन्होंने वादे पूरे नहीं किए, पहला वादा आवाम का गवर्नर हाउस खोल देने का मैंने पूरा कर दिया, क्योंकि मेरा वादा नहीं था। दूसरा वादा कि इस गवर्नर हाउस में लोगों को तालीम दी जाए, वो तो यूनिवर्सिटीज खोले, तो इंशाल्लाह 50,000 लोग मीडिया को मैं कहूँगा गिन के रखें, पूरे 50,000 लोग आईटी के मुफ्त कोर्स इस गवर्नर हाउस के अंदर एसी में बैठ के लेटेस्ट कंप्यूटरों के साथ करेंगे फ्री में, और 3 महीने में वो इस काबिल ज़रूर होंगे कि अगर उनके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन हो या एक आईफोन हो तो वो 3 से 5 लाख रुपए महीना कमा सकते। ये बुरा लग रहा है मेरा काम कि अगर लोग पैरों पे खड़े हो गए तो फिर बसों में भर के इनके नारे और इनके वादे सुनने कौन जाए। मुझे कोई ऐसा बंदा आज मैंने से किसी को नहीं बुलाया, सब मोहब्बत में बताओ अल्लाह को आजिज नाजिज करके मैंने बुलाया, आपकी मोहब्बत बताएं आपका। लोग बसों में लोग लाते हैं कि उनको बुला के उनसे झूठे वादे 1 करोड़ नौकरी देंगे, बेचारे लोग बसों में भर भर के आते, 50 लाख घर देंगे लोग बसों में भर भर के आते, ऐसा कोई वादा नहीं करता। नौकरियां नहीं हैं, लेकिन हम लोगों को हुनर सिखाएंगे, हम लोगों को कारोबार सिखाएंगे और इंशाल्लाह ताला सिखाएंगे, और अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला जिस तरह आज रोज़ाना की बुनियाद पर देखें लोग सियासी लोग क्या करते हैं, 5,000 लोग आए तो 50,000 कहते हैं, ऐसे ही है। मैं ये कहता हूँ कि रोज़ाना हमारे पास गवर्नर हाउस में पहले शुरू में आए 4,000, दूसरे दिन आए 5,000, फिर 6, 5, 6, 5, 6 में हमारे 10,000। मैंने ये कभी नहीं कहा कि 50,000 आए, क्योंकि तो अल्लाह की राह में आप एक काम कर रहे हैं, अगर तो उसमें भी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन परसों जब तमाम मुल्कों के सफारतकार ये देखने आए थे, और ये पाकिस्तान के लिए भी एजाज की बात है कि अमेरिका, बरतानिया, रूस, तुर्किया, सऊदीया, 27 मुल्कों के सफारतकार जिस दिन आए हैं उस दिन 14,000 लोग गवर्नर हाउस में
गिरफ्तार करने कर रहे थे, एक सुई नहीं गिरी, एक आवाज नहीं आई। और मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते कह रहा हूँ कि रात को जब शुरू कर रहे थे तो मैंने मौलवी साहब को बुलाया, बड़ा इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ समझने वालों को, ले कर आऊँगा गाड़ी थोड़ी थोड़ी। तो मैंने हमारी जो मस्जिद के इमाम है गवर्नर हाउस उनको नमाज के बाद मेरे साथ में कहा, जैसे मैंने नमाज खत्म की मस्जिद में, मैंने कहा मौलवी साहब मुझे 5 मिनट आके आप इन पर मिल लें। तो वो आए, मैंने कहा ये लोग आ रहे हैं और जो रिश्ते आई हैं जिसकी पूरी वो सब मिला के वहाँ में मुझे लगता है 12-15 हज़ार लोग होंगे। तो मैंने कहा आज दुआ कीजिएगा से पहले कि हमारे पास बरकत हो। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ 14 हज़ार लोग खाने के बाद एडीसी हमारा पीछे खड़ा है, इसने रात को जाके बताया कि 28 दिन बचे जो हमने रात को फिर यतीम खानों में और इसमें भिजवाई है, 10-10 KG 28 दिन बच गई, 3 हज़ार पानी बोतल बच गई, जूसेस के डब्बे 2 हज़ार बच गए। तो मैं ये इसलिए सुना रहा हूँ कि अगर अल्लाह पर यकीन करके अल्लाह की राह में अच्छा काम करेंगे तो ऐसे भी बरकत होती है, ऐसे भी बरकत होती है। अगर आप आराम के लिए अगर अपनी जेबें भरनी होगी तो बुराइयाँ नसीब होंगी। तो मैं यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि या अल्लाह मैंने आवाम के लिए लोगों के लिए बेड़ा उठाया है, तो मेरी कौमी सलामत रखना कि ये जमीनी सारे खुदाए जो है मैं उनसे उलझ बैठा हूँ और वो मेरे ऊपर नश्तर बिछा रहे हैं। आज मैंने बताया था परसों कि कराची में जो मैंने लोगों के लिए बैनर लगाए थे आज फिर दोबारा हटा दिए, फिर लगाऊंगा और मुहैया हजरात भी अब लगा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ सोशल मीडिया की टीमें हायर की गई हैं, टीमें हायर की गई हैं भाई मंजर भाई, और ये कहा गया है, मुझे बताया उन्होंने कि हमें पैकेज दिया गया है अपने सियासी जमातों की तरफ से कि आपने गवर्नर के ऊपर तनकीद करनी है, उसके कामों को खराब करना है। गवर्नर हाउस पहुँचे और वहाँ पहुँच के लोगों से इंटरव्यू लें और उनसे कहें कि ये होगा। लेकिन मेरा मानना है और मेरा ईमान है जिसे अल्लाह इज्जत दे उसकी इज्जत कोई उछालेगा तो वो ज़रूर रुसवा होगा।